लो, तो अभी हमारे पास बहुत सारे पार्सल है जो मैंने ऐसे फैला कर बैठा हुआ है। एंड आप लोगों को मैं बारी बारी से दिखाती हूँ। मैंने ना अमेजोन से रैंडमली शॉपिंग कर लिया, कभी आधी रात को कर लेती हूँ, कभी शाम को कर लेती हूँ, और जो मन करता है वो कर लेती हूँ। पर ये सारे बहुत यूजफुल थिंग है, मैं क्या ऐसे बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सारे में मैंने पैसे बर्बाद किए हैं। मैंने बहुत यूजफुल चीजें भी खरीदी और कुछ में पैसे बर्बाद भी हुए। पर आप लोग कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में मैंने पैसे बर्बाद किए हैं। बाय द वे मैंने ना मैक्सिमम हेयर से रिलेटेड चीजें ली है, लाइक हेयर टूल्स बहुत सारे लिए हैं एंड बहुत सारी चीजें ली है यार। मैं ना दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रात के 1 बजने वाले, 12:59 हो गए, बस 1 मिनट में 1 बज जाएंगे। ओके स्टार्ट कर। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद दिस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है डायसन का ड्यूब, कुछ नहीं है यार, मतलब डायसन की हेयर टूल्स 50,000 में आती है और ये 1400-1500 में मिली थी। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी होगा मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। मतलब सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो तार वार लगाने की झंझट नहीं है। जो वायर होती है ना, लगाते हो, प्लग इन करते हो, उसके बाद ये ना बैटरी से नहीं चार्ज करना पड़ता है इसको। इसको चार्ज कर लोगे ना, उसके बाद वो बहुत ही हैंडी है, बहुत। अरे यार मैं खोल के क्यों नहीं दिखा रही हूँ इसे, तो ये ना बहुत ही हैंडी है। मैं इतना देर इसे खोल के क्यों नहीं दिखा रही थी गाइस, सॉरी। तो ये ना बहुत ही ज्यादा हैंडी है, मतलब देख लो, बस इसको चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इधर से प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। एंड अपना एक छोटू सा बाल लोगे, ज्यादा बड़ा सेक्शन लोगे ना तो नहीं होगा, उस चीज का बहुत बुरा लगता है मुझे। अब छोटा छोटा सेक्शन लेने में यू नो बहुत टाइम लग जाएगा, पर देखो करना क्या होता है, देखो कितने अच्छे तरीके से ये। अरे एक मिनट भाई, अभी वीडियो बना रही हूँ, ये धोखा दे रहा है। ओके, ठीक है, ऐसे देखो, ये लास्ट बार करियो, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं रहने दूंगी। हाँ देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे जब ये ऐसे मेरे हेयर को ऐसे टानता है। तो ये जब हो जाएगा ना तो 2 बार वीप करेगा एंड उस टाइम आपको निकालना है, समझ जाना है कि हाँ ये कर्ल हो गया है आपके हेयर। पर ये तुरंत खुल भी जाते हैं यार, पर ठीक है, मतलब वो मजा लेने के लिए कि एयर रैप हो रहा है तो वो ठीक है, सही है। मेरे तरफ से मैं 10 में से 6 दूंगी इसे या फिर 7। था ना एक्साइटिंग प्रोडक्ट, अभी मेरे पास बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, मैं दिखाती हूँ। तो उसके बाद जो ये अगर शॉर्ट्स देख ली होगी मेरे तो आपको आई नो पता लग गया होगा कि इसमें क्या है। मेरा एड्रेस वगैरह तो नहीं दिख रहा था। तो दिस इज द इयररिंग, और ये नॉर्मल इयररिंग नहीं है, इससे पहनने के बाद ना इसमें से लाइट आती है, लाइट जलती है। मैं ना यहाँ पे वीडियो क्लिप लगा दूंगी आपको, बहुत ही प्यारी। देखो जलने भी लगी। तो जिस आपको ना ऐसे मूव करना होता है, और ये ओ भाई हाँ, जिस मूव करोगे ना तो ये लाइट जलने लगेगी। ओए खराब हो गया क्या, 900 का है भाई, 900 का। जस्ट लुक एट दिस इयररिंग, मतलब जाओगे इसे पहन के तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। मजाक कर दियो, अगर आपको ट्राई करना है फनी चीज तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है आइस रूलर। मेकअप करा हुआ है मैंने। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो आइस रोलर लिया, और इसे मैंने अभी फ्रीजर से निकाल कर लाई हूँ। तो ये मैं बहुत दिन पहले ले ली थी, बट वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करना चाहती हूँ जो मैंने अमेजोन से लिया है, क्योंकि बहुत यूजफुल चीजें भी है और ये काफी अच्छा है। आई थिंक 250 का मुझे पड़ा था, बट ना गर्मियों के लिए काफी अच्छा है। आपकी ना फेस पफी सोकर उठते हो ना तो आपका फेस ऐसे पफीनेस हो जाता है ना, ऐसे आंखों के पास, एंड फेस फुला सा लगता है। तो जस्ट इसे रोल, क्या कर रही हूँ मैं। सो आइस डायरेक्ट लगाते हो फेस पे, उससे अच्छा ये है जस्ट रोल डाउन करो, इससे आपकी स्किन भी टाइट होती है एंड तरोताजा रहती है। देखो अगर तुम भी वीडियोस वगैरह बना रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो आई विल से कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही अफोर्डेबल लाइट लाई हूँ जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। तो दिस इज द लाइट जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो इसमें ना बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आपको इसे चार्ज करना होता है सबसे पहली बात, एंड यहाँ पर एक बटन है, जिस प्रेस करोगे ना थोड़ा देर, 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे ये लाइट जल जाएगी। एंड इसकी लाइट की क्वालिटी काफी अच्छी है, तगड़ी है। इससे इधर से आपको ना ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो लाइट को, एज यू कैन सी, एंड इधर से टोन डाउन कर सकते हो, लाइक वार्म से कूल टोन कर सकते हो, क्या मैं बोल रही हूँ। तो इधर से आपका वार्म से कूल टोन हो जाएगा, तो ये काफी अच्छा है। एंड इसके साथ जो चूटे आते हैं ना, इसे आप अपने फोन में लगा सकते हो। भाई मैंने एकदम येलो लाइट कर दिया इसमें। तो इसे आप ऐसे अपने फोन में लगा सकते हो एंड जस्ट ब्लॉग, मतलब लाइट की जरूरत भी नहीं है। मेरे रूम बहुत, मतलब मेरा जो रूम है ना वो बहुत ही अंधेरा सा लगता है, पर इसको जला लेती हूँ तो मेरा काम बन जाता है, मेरा ब्लॉगिंग हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ कि ये कितना इफेक्ट पड़ता है इससे। ऐसे मेरा फेस देख रहे हो एंड लाइट का इफेक्ट देखो,
बताओ, है ना गजब की चीज। मैं कितना में ली थी मुझे याद नहीं है, पर मैं लगा दूंगी जो भी हो जितना में भी हो, पर ये काफी अच्छा है एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छा है। इसमें आपको चार्जर वो वायर मिलता है जिससे आप चार्ज भी कर सकते हो, तो मुझे ये काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट जो मैंने रैंडम चीज ली है वो है ये सीपर, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसमें ऐसे ये ग्लास बॉटल है बाय द वे, लाइक फाइबर वाली चीज होती है ना वो खराबी करती है, मतलब वो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, तो मम्मी बोलती है मेरी ग्लास में पीना चाहिए, तो ये ग्लास वाली चीज है। बस इसे मैं सेफ रखूं, ये बहुत बड़ी चीज है इसलिए मैं इससे कम पीती हूँ, पर ये काफी अच्छी लगती है एंड बहुत ही क्लासी क्यूट सा लगता है। तो इसमें आई थिंक दो शेड अवेलेबल थे, एक व्हाइट और एक ये ब्राउन। तो एज यू गाइस नो कि मैं ब्राउन के सामने कुछ नहीं चूज कर सकती। ओके, तो इसमें जो सिपर है ना वो भी ग्लास का है, एवरीथिंग इज लाइक ग्लास। ये लेदर बहुत ही ज्यादा क्लासी फील दे रहा है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे। लाइक इसमें हाँ ये है कि ये बहुत छोटू सा है, तो आप लाइक हाँ कोल्ड कॉफी वगैरह इंजॉय कर सकते हो, काफी अच्छा। मैं तो अपने इसमें कोल्ड कॉफी वगैरह पीती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मैंने अमेजोन से मंगाया था उसकी वीडियो मैंने बना ली है, ये है हीटलेस कर्ल वाली चीज। तो इसको कैसे यूज करते हैं ना, इसमें ऐसे स्टैंड आता है। आ भाई इसका एक पार्ट गुम कर दिया क्या मैंने? नहीं 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 है। ओके, तो इसको ना ऐसे स्टैंड को ये कर लो, हाँ ये हो गया। एंड व्हाट यू हैव टू डू मैं बताती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मैं ये कलर लूंगी। ओके, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाइक येलो, ग्रीन, पिंक, स्काई, ये चार पांच कलर आते हैं। एंड आई थिंक ये टोटल आपको 12 पीस मिलेगा, पर मेरे ना पूरे बाल कवर नहीं हुए थे, मैंने यूज कर लिया है। तो इसको आपको करना क्या होता है ना, जस्ट स्टिंग में, हाँ यही कलर, ठीक है? तो जस्ट स्टिंग में ऐसे डालो एंड अपने बाल का छोटा सा हिस्सा लो एंड इसको ऐसे हुक करो एंड जस्ट ऐसे ऐसे इसको ना तीर लो, बस हो गया। एंड इसको ओवरनाइट रख सकते हो, ये 4 से 5 घंटे, मैं 4 से 5 घंटे रखी थी तो अच्छे से कर्ल हुए थे पर पूरा बाल कट नहीं हुए और वो ना तुरंत ऐसा फिर स्ट्रेट हो गया, लाइक 2 से 3 घंटे में स्ट्रेट हो जाता है। तो ओवरनाइट रख कर देख सकते हो, अगर हिटलेस कर्ल चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, सही लगा मुझे, पर मेरे पूरे बाल कवर नहीं हुए थे, आपको 2 पैकेट मंगाना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मैंने एक बुक ऑर्डर करा था विच इज बिल्ड डोंट टॉक बाई राज शमानी। तो ये मुझे रीड करने का बहुत दिनों से मन कर रहा था एंड मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे ऑर्डर करने का, फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड ये बुक आए हुए आई थिंक 15 दिन हो गए हैं एंड मैंने 8 से 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे काफी पसंद आया है, काफी हेल्पफुल बुक है। पता है मुझे ना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा होता है ना, तो मैं ये बुक पढ़ लेती हूँ बहुत टाइम, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, एंड मैंने बुक उठा लिया, रैंडमली कोई चैप्टर पढ़ लिया, मुझे ना न्यू सॉल्यूशन मिल जाती है। लाइक ये कोई ऐसा नहीं है, ये मत समझ जाना कि क्या प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एंड मैं क्यों प्रमोशन करूंगी राज शमानी की बुक को, क्यों? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो रैंडमली मैंने ये चार्म्स वाली चीज ली। ये तो मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया था, मैंने ये गोल्डन में ऑर्डर करे थे, पता नहीं मुझे ये चार्म्स वाली चीजें काफी पसंद आ रही है, तो ये गोल्डन में मैंने ऑर्डर करे थे एंड मुझे ये सिल्वर में मिल रहा था ऐसे लोकल मार्केट में, तो मैंने ये ले लिया। ये पता है मैंने आई थिंक 40 रुपए का लिया और ये मैं 120 130 का, पता नहीं या फिर 200 का मैंने अमेजोन से लिया, प्राइस लगा दूंगी। बाय द वे क्वालिटी काफी अच्छी है, कोई कोई बीड्स जो होता है ना वो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लग रही है, बट वो जो हैंगिंग वाले चार्म्स होते हैं ना ये बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। एंड जस्ट सी ये वाली चीजें मुझे अच्छी लगती है एंड कुछ कुछ चीजें इसमें ना बहुत ही चीप वाली दे दिया है, पर ठीक है मुझे ना ऐसे पसंद है। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करा था वो बहुत ही ज्यादा फनी चीज है, तो आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा। तो मुझे ना बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं केक ट्राई करूं, पता है केक बनाने का हर एक चीज मैंने वो ऐसे ऐसे घुमाते नहीं है, फिर ऐसे क्रीम लगाते हैं, स्पैचुला वगैरह बड़ा बड़ा सारा चीज वो सब कुछ, टैंक वैंक जिसमें ऐसे ऐसे, मतलब केक बनाने की सारी चीजें सारी टूल्स मैंने ऑर्डर कर रखे हैं अमेजोन से 2 साल पहले से, पर अभी तक मैंने केक नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि लाइक कोलकाता चली गई थी ना, अभी आई हूँ घर, तो 2-3 महीने हो गया, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे केक बनाना है वो प्रॉपर क्रीम वगैरह लगाकर, इसलिए मैंने देखा वीडियो में तो आइसिंग सुगर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वो फ्लफी क्रीम, तो मैंने ऑर्डर करा। और मैं जहां तक देखी थी यार कि एक पैकेट लिखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि 6 पैकेट आइसिंग सुगर आ जाएगा, मैं इतना का क्या करूंगी यार, मैं क्या केक बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, मतलब अभी से मैं बस सोच रही हूँ कि बनाऊंगी, अभी तक मैंने बनाया नहीं है एंड बनाऊंगी भी तो एक बार इज इनफ, मैं बार बार नहीं बना सकती। एंड आई थिंक खाने वाली चीज रिटर्न भी नहीं होती है अमेजोन पे, मुझे पता भी नहीं है, मैंने चेक भी नहीं करा है, खैर उसको छोड़ो, बहुत पैसे बर्बाद हो गए मेरे। ओके, नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करा था वो है ये वेगा का
क्रीम पर नहीं, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, चेकर्ड प्लेट्स फॉर यूनिक बाइट क्रीम। तो ये क्रीम पर ही है, पर ये क्रीम पर ये जो वॉफल खाते हो ना वो सेब का है, तो मुझे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने मंगा लिया कि यार वॉफल तो मैंने खाया नहीं आज तक, देखा है पर वॉफल जैसा होता है वैसे बाल में वॉफल बन जाएगा क्या, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। लेट्स सी कि ये कैसा काम करता है, अभी तक मैंने इसे खोला भी नहीं है, खोल के यूज करके यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी, कैसा है कैसा नहीं है वो मुझे नहीं पता। क्या बोलते हो इसे मैं अभी यूज कर लूँ, वीडियो क्या लगाना है यार। फिर अचानक से कैमरे का बैटरी लो हो गया था और मैं बस दो दो बैटरी फिर भी दोनों लो करके मैंने रखा हुआ था यार, अचानक से कैमरा बंद हो गया, तो अभी मैंने ऑन करा उसे चार्ज कर एक घंटे गर्मी में बैठी हूँ कॉर्नर में, और मेरी एसी अब भी खराब हुई है। जब मेरा कैमरा बंद हुआ एसी खराब हो गया अचानक से, लाइक क्या हो रहा है, पूरा पसीना देख रहे हो मेरे फेस पे। खैर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो इसको मैंने खोल लिया है, अनबॉक्स कर लिया है। ओ माय गॉड लुक एट दिस, क्या मजेदार लग रहा है ना। मुझे ना ऐसी मजेदार चीजें आजकल ट्राई करने में बहुत मजा आने लगा है, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके तो इसको लगाते हैं, भाई इतनी गर्मी लग रही है मुझे ना अभी सोने के लिए, अभी 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज गए, मैं 1 बजे वीडियो स्टार्ट की थी, मतलब 3 घंटे में मैं एक वीडियो नहीं बना पाई। खैर इसको कंप्लीट करेंगे और अभी मुझे मम्मी के रूम में जाना पड़ेगा सोने के लिए। जब सुबह के 3 बजे मैं मम्मी के रूम में डकडक करूंगी तो मम्मी बोले कि अभी तक सोया क्यों नहीं, नालायक बच्चा। ऑफ है तो इसे हम ऑन करते हैं, आई थिंक लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ओके तो ये ऑन हो गया है, अभी थोड़ा सा हीट होने देते तब तक हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमारे पास अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है। आई थिंक ज़्यादा क्या, ये लास्ट था क्या, आई थिंक लास्ट प्रोडक्ट था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके तभी मैंने रियलाइज करा कि यही एक लास्ट प्रोडक्ट है जो दिखाने को बच गए हैं, पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर बैठे थे, मैंने ना सारा इधर उधर मिक्स कर दिया, एक डब्बा उधर पड़ा हुआ, आई थिंक वो मीशो का है यार, मैंने ना मीशो का पार्सल भी ऐसे ही मिला दिया है एंड मैक्स का, और सारा पार्सल मिक्स करने से ऐसा हुआ है। होपफुली अमेजोन का कुछ ना छुटा हो। ये हीट हो गया है भाई, लेट्स सी द मैजिक। मम्मा डर लग रहा है, डर के आगे जीत है प्रिया, ओ प्रिया प्रिया यू कैन डू इट। बस मेरे बाल ना जले यार, मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ हो रहा है क्या गाइस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार, ये कितने अच्छे से क्रिंप हुए हैं मेरे बाल, ओ माय गॉड, पर ये वॉफल तो नहीं बना यार, एक सेकेंड, ये वॉफल नहीं बना पर अच्छे से क्रिंप जरूर हुआ है। लुक भाई वो जो ब्राइडल बन वगैरह बनता है ना, इससे क्या परफेक्ट बनेगा, बहुत ही बढ़िया से क्रिंप हुआ है। तो आपको हेयर स्टाइल करना पसंद है ना तो आई विल से कि आप जा सकते हो, इसको खरीद सकते हो। हाँ मुझे काफी अच्छा लगा ये, मतलब इससे अच्छा मुझे ये लग रहा है, ओ माय गॉड इट्स नाइस। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।